जी तो वाइटी फैमिली, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ हेयर स्टाइल की वीडियो। तो आप लोग काशिश का हेयर स्टाइल को देखिए। मैं ये काशिश का हेयर स्टाइल आप सबसे फ्रंट पे जो बना हुआ होता है वो शेयर करूँगी। तो आएँ फुल व्लॉग को मेरे वॉच करें और देखें मैंने। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो ये देखिए आज था वलीमा इनका, तो मैंने फिर इनके हेयर स्टाइल बनाए थे, लेकिन वीडियो में ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि आप सबको पता है बच्चे भी मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, और फिर दूसरी बात ये कि बच्चे तंग कर रहे होते हैं तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इनको मोबाइल दे के बिठाना पड़ता है। तो बस मैंने सोचा फिर इनके आपसे शेयर कर दूँ। चलो ये बच्चियाँ भी हैं, इन्होंने कहा अब हमारे ले लें, लेकिन फेस नहीं सिर्फ हेयर स्टाइल। तो मैंने चलें अगर ये बोल रही हैं तो मैं इनके हेयर स्टाइल की एक वीडियो बना लूँगी, तो आप लोग वॉच करिएगा। अभी मैं आपको सिखाती हूँ कि ये मैंने हेयर स्टाइल कैसे बनाई। यहाँ पर मैं इनको लगा रही हूँ पल्स, ये मैं तार के अंदर डाल के पल्स लगा रही हूँ। आप चाहें तो आप सुई से भी इसको लगा सकती हैं, ये सिंपल पल्स हैं। तो जी भाई ये मैं अब बना रही हूँ इनकी कज़न का हेयर स्टाइल, और सेम इन्होंने ड्रेस भी एक जैसे वेयर किए थे, और इनके ऊपर टिश्यू के इनके दुपट्टे थे और कॉटन के इनके फैंसी ड्रेस थे जो कि 9,000 का, पता नहीं 8,000 का, इनकी मम्मा बता रही थी कि इतने महंगे इनके ब्रांडेड सूट थे। तो पंजाबी लुक थे वो, कुर्ती शलवार और दुपट्टा जो था वो था टिश्यू का। तो उसके लिए फिर इनको जो है ना पीछे हेयर स्टाइल बनाना था, क्योंकि इनका ड्रेस जो था ना तो वो मुझे पंजाबी लुक लग रहा था, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में ही इन्होंने ड्रेस लिया हुआ था। तो इस तरीके का फिर ड्रेस जो होता है तो उसके ऊपर हमें ऐसे खजूर की चुटिया या फिर इस तरह पीछे ही कुछ ऐसा करना होता है ताकि वो ड्रेस सूट के हिसाब से उनकी हेयर स्टाइलिंग अच्छी लगे। और इन्होंने मेकअप भी लाइट सा करवाया क्योंकि ये लोग ज़्यादा हैवी मेकअप को पसंद नहीं करती है। और यहाँ पर ये देखें, ये मैं हेयर स्टाइल इनका बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने पहले आगे फ्रेंच बनाई है दो, और फिर मैंने पीछे से इनको एक पोनी पहले बनाई है, फिर मैंने एक एक ब्रेड के अंदर लेयर उठा के और उसको खजूर की चुटिया बनाई। और ये काशिश का हेयर स्टाइल है, लेकिन अगर हम इसको मैक्सी पे, साड़ी पे या फिर शरारे पे, फ्रॉक पे, किसी भी चीज़ पे हम इसको बनाते ना तो ये फिर आगे फ्रंट पे बनता, और आगे फ्रंट पे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनता। पहले जो है ना फ्रेंच बनते, फिर एक पफ बनकर मतलब बेकॉमिंग कर फिर हम इसको खजूर की चुटिया को आगे के साइड पे बनाते। लेकिन इन्होंने कहा नहीं ज़्यादा हमें हैवी नहीं करना, क्योंकि बारात में कल मैंने इनको पफ वगैरह बनाई थी और फिर रोल करे थे, और कल बारात के बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई थी, बच्चों ने बिल्कुल नहीं मोबाइल छोड़ा था। आज तो मैंने इनसे डांट डपट करके इनसे मोबाइल लेके फिर आप सबके लिए शेयर किया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, मुझे आप सबकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखें, ये खजूर की चुटिया इस तरीके से बन गई है, और इसको नीचे मैंने रबर बैंड लगा दिया। और अगर आप चाहें तो आप इसको वैसे भी छोड़ सकती हैं, लेकिन इसको ज़्यादातर इसी स्टाइल को इस तरीके से हम उठाएंगे, पिन अप करेंगे ऊपर से, और नीचे से भी इसको हम कवर कर देंगे अच्छी तरीके से 2-3 पिन लगा के, और फिर हम इसमें मोती जो है ना पल्स वो लगाएंगे। तो मेरे पता नहीं क्या हो रहा है, सब्सक्राइबर ज़्यादा होने के बजाय और ज़्यादा कम हो रहे हैं, तो ये क्या मसले मसाइल चल रहे हैं वाईटी पर कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, तो फुल वीडियो को वॉच करके क्या करें, वरना नहीं क्या करें, आप सबकी मेहरबानी होगी। और ये फिर रात में मैंने नहारी मंगाई थी, और फिर रात में हस्बैंड मेरे लिए मूँगफली भी लेकर आए थे। अब मैं करूँगी अल्लाह हाफिज़।